नमस्कार दोस्तों, आओ सीखे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं एक प्रॉब्लम पे डिस्कस करूंगी। देखिए, कभी कभी बुनते समय हमारा फंदा गिर जाता है, जैसे कि ये फंदा छूट गया है। तो अब समस्या आ रही है कि इसे उठाएं कैसे। अब या तो हमें इतना लाइन उधारना होगा या फिर इसे उठाना होगा। तो हम कोशिश करेंगे कि इसे उठा के और उठाएं, ताकि हमें वापस बुनना ना पड़े। तो इसके लिए या तो हम एक क्रोशिया लेंगे या फिर एक तीसरी सिलाई लेंगे, और बुनते हुए हम जहाँ पे हमारा फंदा गिरा है वहाँ पे हम आ जाएंगे। उसके बाद क्रोशिया से देखिए, इस फंदे में ऐसे क्रोशिया डालेंगे और देखिए, ये जब फंदा गिरता है तो यहाँ पे थोड़ा स्पेस हो जाता है। इसको ऐसे उठाएंगे और ऐसे क्रोशिये से ऐसे निकालेंगे। देखिए, हमारा एक फंदा बन गया। फिर इसको अगले वाले को उठाएंगे और इसके अंदर से निकालेंगे। अब देखिए, जितने धागे ये दिखाई दे रहे हैं उनको ऐसे उठाएंगे और गिरे हुए फंदे के अंदर से ऐसे निकाल लेंगे सभी को। अब एक बचा है, इसको भी उठाएंगे और गिरे हुए फंदे के अंदर से निकालेंगे। देखिए, हमारा अब पता नहीं चल रहा है कि कौन सा फंदा गिरा हुआ है। अब इसको हम सिलाई पे चढ़ा लेंगे। और जैसे हम नॉर्मली बुनते हैं वैसे बुन लेंगे। अब देखिए, अब हमारा ये हम रॉन्ग साइड में है। देखिए, यहाँ हमारा फंदा गिरा था लेकिन पता नहीं चल रहा है। और ये राइट साइड है, देखिए कहाँ फंदा गिरा था ये पता नहीं चल रहा है। तो गिरे हुए फंदे को हम इस तरीके से उठाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।